सो आज मैं आपको बताऊंगी स्विंग मशीन के कुछ पार्ट्स का नाम, कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सो जो बेसिक मशीन होती है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये, तो दोनों के पार्ट्स सिमिलर ही होते हैं, सेम नेम होता है, फंक्शन भी सेम होते हैं, पर ये इलेक्ट्रॉनिक है और वो बेसिक होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। सो अब मैं बताती हूँ आपको कि ये जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं, दिस, ये पूरा हेड कहलाता है। सो हेड इज़ कंप्लीट स्विंग मशीन विद और विदाउट अ कैबिनेट और स्टैंड। सो इसमें आप देख रहे हैं ट्रेडल मशीन जो होता है, जो पैर वाली मशीन जिसको बोलते हैं, तो उसमें नीचे ट्रेडल लगा होता है पूरा स्टैंड, पर ये विदाउट स्टैंड है, विदाउट कैबिनेट। सो नेक्स्ट इज आर्म। आर्म होता है दिस पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो दिस पार्ट इज आर्म। आर्म क्या करता है? आर्म इज द कर्व पार्ट ऑफ द हेड कंटेनिंग मैकेनिज्म फॉर ऑपरेटिंग द निडल। सो जो आप इधर देखते हैं ऑपरेट करता है निडल को, तो इसकी हेल्प के लिए जो भी आर्म होता है वो बनाया जाता है। सो नेक्स्ट इज बेड। सो आप इधर देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी पोर्शन होता है इसको हम बेड बोलते हैं। सो बेड का बेसिक वर्क होता है कि एक फ्लैट पोर्शन होता है मशीन का, जिसपे कि हम फैब्रिक को रख के स्टिच करते हैं। सो नेक्स्ट भी आपको ये बटन्स दिख रहे हैं और जितने भी आपको चीज़ें दिख रही हैं उसके पार्ट्स के नेम वन बाय वन। सो फर्स्ट इज रिवर्स स्टिच बटन। सो इसको हम प्रेस करते हैं, क्यों करते हैं? जब फैब्रिक को स्टिच करते हैं तो बोलते हैं सिलाई पक्का लगाना, उसको हिंदी में बोलते हैं। तो जब भी हमको स्टिच पक्की करनी है, रिपीट करना है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट इज स्टिच लेंथ डायल। अब इससे क्या कर सकते हैं, जो भी स्टिच आपको लेना है, जैसे अगर आपको बहुत बड़ी लेना है स्टिच तो फोर्थ पे करेंगे, थोड़ा छोटी तो थर्ड, उससे छोटी तो सेकेंड और सबसे छोटी तो फर्स्ट। तो इस तरीके से हम स्टिच की लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज पैटर्न सेलेक्टर डायल। सो दिस इज पैटर्न सेलेक्टर डायल। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके से लिखा हुआ है, इधर भी आप देख सकते हैं ए बी सी डी लिखा है। तो आप हर बटन से, जैसे ए से दिस पैटर्न ले सकते हैं, बी से इस पैटर्न को, सी से इस पैटर्न को, तो जो भी पैटर्न आपको क्रिएट करना है वो पैटर्न आप ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 लिखा है, तो दिस इज़ फॉर बटन होल। आप जब भी शर्ट में बटन होल बनाते हैं तो उससे आप ये वाले डिज़ाइन चूज कर सकते हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं। सो दिस इज़ फॉर बटन होल। सो नेक्स्ट इज बॉबिन वाइंडर स्पिंडल। इसमें क्या होता है, बॉबिन को वाइंड कर सकते हैं, जैसे आप इधर देख सकते हैं इसमें बॉबिन को लगाते हैं इस तरीके से और फिर इसको इस तरीके से पुश कर देते हैं, और फिर जब हम इस हैडल को इस तरीके से करेंगे, आउट साइड में करेंगे, तो फिर इसमें हम प्लग ऑन करेंगे तो ये बॉबिन ऑल अपने आप वाइंड होने लगेगा। सो ये हैंडल हम इसलिए आउट करते हैं जिससे कि हमारी निडल नहीं चले, सिर्फ बॉबिन वाइंड हो जाए। सो नेक्स्ट इज स्पूल पिन। ये आप देख रहे हैं देयर आर टू स्पूल पिन्स, तो आप इसमें थ्रेड को लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से जब भी आप स्टिच करेंगे तो थ्रेड मूव करेगा इस तरीके से, इसलिए इसके लिए स्पूल पिन का यूज होता है। सो ये आप देख रहे हैं इधर, ये है बॉबिन वाइंडर थ्रेड गाइड। सो इस तरीके से हमने थ्रेड को लगाना है और ये थ्रेड इस तरीके से गाइड करेगा, फिर हम बॉबिन वाइंड कर सकते हैं। सो ये थ्रेड गाइड करने का हेल्प करता है। सो अभी हमने देखा ये वाला जो पार्ट था वो थ्रेड को गाइड करता है फॉर द बॉबिन बाइंडिंग, बट ये है थ्रेड गाइडर, ये ड्यूरिंग द स्टिचिंग हम यूज कर सकते हैं इसको। सो ये है थ्रेड गाइडर। सो नेक्स्ट इज थ्रेड टेकअप लिवर। सो दिस इज थ्रेड टेकअप लिवर। जब भी हम हैंडल को घुमाएंगे तो ये अप एंड डाउन करता है, इसीलिए इसका नाम थ्रेड टेकअप लिवर है। सो दिस इज थ्रेड टेंशन डायल। अब इससे आप क्या करेंगे, जब भी स्टिच करते हैं तो आप टेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं और लूज कर सकते हैं, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। सो अब आप इसको देख सकते हैं, सो दिस पोर्शन इज फेस प्लेट, तो इसको हम फेस प्लेट बोलते हैं। सो इसे आप देख सकते हैं, ये इसमें छोटा सा कटर लगा हुआ है जो हमें दिखेगा नहीं, बट ड्यूरिंग स्टिचिंग हम इसको थ्रेड कटर के नाम से बोलते हैं। सो आपको सीजर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब भी आप फैब्रिक स्टिच करने के बाद जो थ्रेड कट करते हैं, सो थ्रेड कटर आपको जो फैब्रिक से थ्रेड निकलता है वो कट करने में काम आएगा।
सो दिस इज, ये आप देख सकते हैं, निडल थ्रेडर है. सो इस तरीके से हम इसमें निडल को डाल सकते हैं, निडल में थ्रेड को डाल सकते हैं. सो दिस इज निडल प्लेट. इसके नीचे बॉबिन, बॉबिन केस, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं और फीड डॉग भी होता है. सो दिस इज निडल प्लेट. सो दिस इज एक्सटेंशन टेबल. इसको आप रिमूव कर सकते हैं, है ना, और इसमें आप बॉबिन और बॉबिन केस को इंसर्ट कर सकते हैं इसमें. सो दिस इज प्रेशर फुट. ये आप इस तरीके से फुट को अप एंड डाउन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है. अब आप इसको देखिए, ये है प्रेशर फुट होल्डर. तो इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं प्रेशर फुट को, जिससे कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर फुट्स को लगा सकते हैं. सो दिस इज निडल क्लैंप, जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, दिस इज निडल क्लैंप. तो इसमें निडल फंसी हुई होती है. सो दिस इज निडल, ये आप देख पा रहे हैं निडल, इस तरीके से निडल क्लैंप में लगा हुआ है. एंड दिस इज प्रेशर फुट. सो दिस इज कैरिंग हैंडविल. तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन में ही होता है, नॉर्मल जो आपकी मशीन होती है उसमें नहीं होता. सो दिस इज पावर स्विच, जिसको हम ऑन एंड ऑफ करके मशीन को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं. एंड दिस इज स्विच सॉकेट, जिसमें कि हम मशीन का पेडल का वायर लगाते हैं. सो इस तरीके का वायर होता है जिसको हम इंसर्ट करते हैं, और ये तो आपको पता ही होगा, दिस इज पेडल. सो आज की वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बताया, उसका फंक्शन बताया. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थ्रेड को कैसे वाइंड किया जाता है और थ्रेड को निडल तक कैसे ले जाया जाता है. थैंक यू सो मच.